नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व कब हो रहा था? व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वीक फील्ड हमने स्टडी किया, वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। उसमें क्या था कि जो एल और एस मेकिंग जे, ठीक है राइट, इट इज एस लेट्स सी एंड इट इज एल एंड दे आर प्रेसिस अबाउट जे। ओके, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देन जे स्टार्ट टू प्रेसिस अबाउट द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, ये फील्ड वीक कब होगा? जब लेट से इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इज अप्लाई इन द जेड डायरेक्शन। अगर वीक फील्ड है या वीक इफेक्ट है, देन वी कैन सी एल और एस की कपलिंग मोर है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू जे एंड एस, जे एंड एफ। ओके, कपलिंग मोर है इन कंपेरिजन ऑफ जे एंड एफ। एल एस की जो कपलिंग है, वी कैन सी इंट्रक्शन एनर्जी बिटवीन एल एंड एस इज मोर देन द एफ एंड जे। ठीक है, दिस इज फॉर द वीक केस, वीक फील्ड इफेक्ट के लिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड इज दैट इन विच इंट्रक्शन एनर्जी ऑफ एल एंड एस इज लेस देन द इंट्रक्शन एनर्जी ऑफ एफ एंड जी। ओके, इन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड इज इंट्रक्शन एनर्जी बिटवीन एल एंड एस इज लेस, एल और एस की जो इंट्रक्शन है दैट इज लेस इन कंपेरिजन ऑफ एफ एंड जी, राइट, इनकी मोर है। अब क्या होगा, ये जे स्टार्ट टू प्रेसिस अबाउट एफ विद मोर, ठीक है, मोर वेलोसिटी वी कैन से, ओके, इसका प्रेसिशन ज्यादा होगा, तब कपलिंग ब्रेक हो जाएगी, एल एंड एस कपलिंग ब्रेक डाउन। ठीक है, ये इंट्रेक्शन ज्यादा होगी एक्सटर्नल फील्ड और जे की, अगर इंट्रेक्शन ज्यादा होगी देन द कपलिंग इज ब्रेक डाउन। ठीक है, अब जो एल है ये प्रेसिस करना स्टार्ट कर देगा, एल स्टार्ट प्रेसिस अबाउट एफ सेपरेटली। ठीक है, अब जो प्रेसिसन होगा, लेट सी ठीक है, जो फील्ड अप्लाई है उसके अबाउट एल स्टार्ट टू प्रेसिस, ओके, एंड इट इज द प्रेसिशन। ओनली एस स्टार्ट टू प्रेसिस एल, ओनली एल स्टार्ट टू प्रेसिस अबाउट एफ, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस, और जो एस है वो प्रेसिशन नहीं करेगा, ओके, क्योंकि एस का जो एस के लिए इलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोमेंट ओनली एल पार्ट के लिए होता है। और ये देखो इलेक्ट्रिक मोमेंट क्या होता है, या डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू उनके बीच की सेपरेशन, राइट, लेट सी इट इज डी। ओके, देखो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में है, ठीक है, और जो सोमरफील्ड या फिर कैपलर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग नॉट इन ओनली सर्कुलर मोशंस बट ऑल्सो इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अब जो लेट से इलेक्ट्रॉन इज हियर, ठीक है, और न्यूक्लियस, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस से कोइंसाइड नहीं करेगा, समवेयर एल्स होगा। ठीक है, सो वी कैन सी न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अनदर पॉइंट पे होगा, नेगेटिव। ठीक है, सो देयर इज चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, सो वी गेट इलेक्ट्रिक मूवमेंट ओनली फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ओनली एल प्रेसिस अबाउट एफ, ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन केपलर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ओके, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से टॉर्क लगेगा, रोटेशनल मोशन में फोर्स इज द टॉर्क। ठीक है, और उसी टॉर्क की वजह से एल प्रेसिस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद क्वांटाइज कंपोनेंट।
ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ एल ऑन जेड एक्सिस इज या प्रिसिशन ऑफ एल ऑन जेड एक्सिस इज एल जेड, लेट सी इट इज एल जेड एंड इट्स वैल्यू इज एम एल एच कट एच ओवर 2 पाई, ठीक है। और जो एनर्जी आएगी, इंट्रक्शन एनर्जी, वो हम इस केस के लिए पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, और जो आएगी एनर्जी इन पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स गिवन एच, ठीक है, जो कैलकुलेटेड एनर्जी है दैट इन इज इन पैराबोलिक कोऑर्डिनेट से जो एनर्जी डिराइव की है दैट इज ई नोट माइनस 3 ए नोट ई ओवर 2 जेड एंड एफ एन इंटू एन 2 माइनस एन 1, राइट। यहाँ पे ई नोट वो एनर्जी है, फील्ड फ्री एनर्जी है, जब ये हमने अप्लाई नहीं किया था तब जो एनर्जी थी दैट इज ई नोट, ठीक है, वी कैन से बेसिक एनर्जी। एंड ए नोट इज वो रेडियस, ठीक है, और एन इज प्रिंसिपल या टोटल क्वांटम नंबर, टोटल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और एन वन एंड एन टू आर ये भी क्वांटम नंबर है, ठीक है, आर क्वांटम नंबर इन पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स में जो क्वांटम नंबर है दैट इज एन वन एंड एन टू, राइट। सो यहाँ पे एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज पैराबोलिक कोऑर्डिनेट। वो क्या होता है कि जैसे अपना और कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, जैसे कि कार्टेशियन है, ठीक है, और या फिर पोलर है, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, इस टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम स्टडी कर चुके हैं, बट एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज पैराबोलिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, पैराबोलिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसके कार्टेशियन में हम डिनोट करते हैं किसी भी पोजीशन को एक्स वाई जेड से, पोलर में आर थीटा की फॉर्म में, ठीक है, स्फीयर में, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा फाई की फॉर्म में, ठीक है। अब इस टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स लाइन्स आर कॉन्फोकल पैराबोलाज, ठीक है। देखो एक्स वाई जेड क्या होता था कि परपेंडिकुलर होते थे, ठीक है, तीनों ही कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या है कोऑर्डिनेट्स लाइन आर कॉन्फोकल पैराबोलाज, जैसे कि किसी भी पोजीशन को अगर हमें दिखाना है, ये नहीं बनाना था मुझे, ठीक है, यहाँ पे बनाती हूँ, कॉन्फोकल पैराबोलाज की फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है, ये पैराबोला हो गया, इसका कॉन्फोकल पैराबोलाज इज जिनका फोकस सबका सेम हो, ठीक है, एक पैराबोला के लिए एक फोकस होता है, ठीक है। अब जो पोजीशन दिखाएंगे वो हम इन लाइन्स के लिए दिखाएंगे, राइट, इस टाइप का पैराबोलाज कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एंड इट इज आल्सो कोऑर्डिनेट लाइन फॉर कॉन्फोकल पैराबोलाज, राइट। देखो एक साइड का अगर लें, ऊपर वाला साइड या नीचे वाला, उनका फोकस एक ही पॉइंट पे लाई करें सभी का, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, तीनों का एक ही पॉइंट पे लाइक करें, दीज आर दी कॉन्फोकल पैराबोलाज, ये इसकी कंडीशन है। यहाँ पे कार्टेशियन में क्या होता था कि एक्स वाई जेड बोथ तीनों ही परपेंडिकुलर टू इच अदर, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है, ये 2D के लिए केस है, ठीक है, जो लाइन्स हैं, जो पैराबोलाज हैं दैट मस्ट बी कॉन्फोकल, ओके। सो इट इज ए न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, पैराबोला कोऑर्डिनेट, राइट। यहाँ से एन वन एन टू क्या है, क्वांटम नंबर है जो इसके साथ एसोसिएटेड है पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स के साथ, एम वन
एम एल की जो अलाउ वैल्यू होंगी दैट आर यहाँ से एन माइनस एन टू माइनस एन वन माइनस वन, ठीक है। एन की वैल्यू जो हमें पता है, एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री एन टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। एम एल इज, एम एल होता है माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है। सो एम एल की जो वैल्यू आएंगी दैट इज जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड अप टू सो ऑन प्लस माइनस एन माइनस वन तक, राइट। क्योंकि जो एल की वैल्यू होती है वो एन माइनस वन तक होती है, ठीक है। उसके बाद जो एन वन और एन टू कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी अलाउ वैल्यू है जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन एन माइनस वन तक अलाउ वैल्यूज है। एन टू की भी एन वन टू थ्री एंड एन माइनस वन तक, ठीक है। एम एल डिसाइड कर देगा ना वैल्यूज ऑफ एन वन एंड एन टू, कौन सी अलाउ वैल्यूज होंगी एन वन और एन टू की, राइट। देखिए अगर एम एल जीरो है, ठीक है, उसके लिए एन वन होगा, तो एन वन और एन टू की जो अलाउ वैल्यू होंगी दैट आर जीरो जीरो, वन माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस वन इट इज जीरो, सो वी गेट एम एल जीरो, राइट। इसी तरह ये सारी वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ जो एन वन एन टू होंगे अपने आर्टिकल्स में, ठीक है, हमें पैराबोला प्लॉट करने हैं पहले, तो क्योंकि हम पैराबोलिक कोऑर्डिनेट से इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो पैराबोलाज आर यहां से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ कॉन्फोकल पैराबोलाज, ठीक है, एंड अनदर इज राइट, एंड जो वैल्यूज हैं लेट से इट इज ईटा मिनिमा एंड इट इज ईटा मैक्सिमा, राइट। और जो अनदर पैराबोला है दे आर इन दिस फॉर्म, ठीक है, एंड बोथ ऑफ दीज आर कॉन्फोकल, एंड अनदर पैराबोला है दैट इज, मैं ड्रॉ करती हूँ, राइट। ओके, एंड इट इज फॉर एक्जाई मैक्सिमा एंड इट इज फॉर एक्जाई मिनिमा के लिए, ठीक है। जो सिर्फ वैल्यूज है ताकि बस पोजीशन वगैरह दिखाई, ठीक है। जो एन वन है क्वांटम नंबर इन बिटवीन एक्जाई मिनिमा एंड एक्जाई मैक्सिमा, और एन टू क्वांटम नंबर है दैट इज इन बिटवीन ईटा मिनिमा एंड ईटा मैक्सिमा, ओके। सो वी कैन से एन वन लिमिट्स द इलेक्ट्रॉन मोशन टू द रीजन बिटवीन द टू पैराबोलाज हैविंग, ठीक है, रिवोल्यूशन हैविंग ईटा मैक्सिमा ईटा मिनिमा, ठीक है। एन वन लिमिट्स द इलेक्ट्रॉन मोशन टू द रीजन बिटवीन टू पैराबोलाज, ठीक है, पैराबोलॉइड्स या पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन एक्जाई मिनिमा एंड एक्जाई मैक्सिमा, ठीक है। और जो एन टू लिमिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स मोशन टू द रीजन बिटवीन टू पैराबोलॉइड्स ऑफ रिवोल्यूशन ईटा मिनिमा टू ईटा ईटा मिनिमा टू ईटा मैक्सिमा, राइट, ठीक है। और इन दोनों का जो कन्फाइंड मोशन होगा दैट इज दिस, राइट,
जो कन्फाइन मोशन है दैट इज दिस. ओके, सो पार्टिकल के थ्री मोशन है, एक तो ऑर्बिटल मोशन है और दो ये, राइट. ठीक है, वी कैन से वन इज अराउंड, ऑर्बिटल मोशन इज अराउंड एफ एंड वन इज अलोंग ईटा डायरेक्शंस, ईटा कोऑर्डिनेट एंड वन इज अलोंग एक्जाई कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, और दैट इज गिवन बाय एन वन एंड एक्जाई के लिए एन वन और ईटा के लिए एन टू कोऑर्डिनेट्स, राइट. नाउ जो ट्रम वैल्यू होगी, ठीक है, या फिर वी कैन से इन वेव नंबर फोरम एनर्जी इज एनर्जी बाई एचसी, ठीक है, दैट इज स्टार्क शिफ्ट या ट्रम वैल्यू, और ट्रम वैल्यू इज माइनस डेल टी, दैट इज डेल ई बाई एच सी. ठीक है, और जो वैल्यू आएगी थ्री ए नोट ई ओवर टू जेड एच सी एफ इंटू एन एन टू माइनस एन वन. ओके, जो ए नोट बोर रेडियस है, ए नोट की जो वैल्यू होगी 0.53 एंगस्ट्रोम. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई और एच प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10 की माइनस 34 जूल सेकंड. ठीक है, और इन सब की कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी माइनस डेल टी इक्वल टू 6.4 10 रेज टू पावर माइनस 5 बाय जेड एफ एन इंटू एन टू माइनस एन वन. ठीक है, दिस इज सेंटीमीटर इनवर्स. ट्रम वैल्यू ऑलवेज इन लेंथ की जो इनवर्स पावर में आती है, ठीक है, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, दस द स्टार्क लेवल इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स शिफ्टेड बाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम कॉन्स्टेंट वैल्यू, राइट. ये इंटीजर वैल्यू आएंगी कुछ, सो वी कैन से शिफ्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम कॉन्स्टेंट वैल्यूज. ओके, नाउ हमें ट्रांजिशन प्लॉट करना है. ठीक है, और जो स्टार्क शिफ्ट है ग्राउंड स्टेट के लिए जीरो होता है. स्टार्क शिफ्ट फॉर ग्राउंड स्टेट इज जीरो फॉर हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, अब पहले हम टेबल बनाते हैं फिर ट्रांजिशन देखते हैं. ठीक है, सो एन हमें चाहिए एन एन टू माइनस एन वन की वैल्यूज, राइट. सो टेबल में एन एन टू एन वन की अलाउज वैल्यू, देन वी कैलकुलेट एन टू माइनस एन वन एन एन इंटू एन टू माइनस एन वन. ठीक है, और ये सब वैल्यूज डिसाइड करेगा एम एल. ओके, एम एल और एम एल की जो वैल्यू है दैट इज एन माइनस एन टू माइनस एन वन माइनस जी वन. ओके, फॉर एन वन ग्राउंड स्टेट के लिए कोई स्प्लिटिंग नहीं है, ऑल वैल्यूज आर जी. ठीक है, एन टू के लिए एन टू, ठीक है, एन इज टू एल इज जीरो एंड वन, एम एल इज जीरो, जीरो के लिए जीरो और वन के लिए माइनस वन जीरो एंड वन. ठीक है, एम एल की चार वैल्यूज माइनस वन जीरो जीरो एंड वन. जब एम एल जीरो होगा, ठीक है, एम एल इज जीरो फर्स्ट के लिए. अगर एम एल जीरो है, एम एल जीरो कब होगा, जब एन एन तो टू हो गया, ठीक है, सेकंड स्टेट एन टू. एन वन एन टू की वैल्यू क्या होंगी, एक की जीरो हो एक की वन हो. ठीक है, देखो एन तो टू हो गया, जीरो के लिए एन तो टू हो गया यहाँ पे, ठीक है, और माइनस वन भी हो गया, ये तो स्टैंडर्ड है. अब ये वैल्यू जीरो कब आएगी, जब इन दोनों में से एक की वैल्यू जीरो हो और एक की वैल्यू वन हो. ठीक है, लेट्स से एन टू इज वन और एन वन इज जीरो, राइट, देन द रिजल्ट इज जीरो. और दूसरी कंडीशन क्या है, एन टू इज जीरो एंड एन वन इज वन. ठीक है, इन दोनों ही केस में एम एल इज जीरो, राइट. एम एल वन कब हो गया, माइनस वन कब होगा, टू इज फिक्स एंड माइनस वन. ठीक है, हमें चाहिए रिजल्टेंट माइनस वन. सो माइनस वन कब मिलेगा, जब दोनों ही वन वन हो, राइट, टू माइनस थ्री, देन वी गेट रिजल्टेंट एम एल इज
माइनस वन, ठीक है, यहाँ से वैल्यू डिसाइड हो रही है, राइट। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, समझ आ जाएगा आपको, ओके। ठीक है, जो सेकंड के लिए एम एल की जो वैल्यू होंगी दैट इज माइनस वन, माइनस वन, जीरो 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 दो बार एंड वन, ठीक है। माइनस वन कब मिल रहा है, जब एन वन और एन टू हमारे दोनों वन वन है, वन और वन है, एन वन एन टू वन वन है, देन वी गेट माइनस वन, राइट। जीरो कब मिल रहा है, जब एक बार एन टू वन हो, एन वन जीरो हो, और दूसरा है ये एन टू जीरो ये वन हो, ठीक है। वन कब मिलेगा, देखो वन कब मिलेगा, एन टू फिक्स है, माइनस वन, वन कब मिलेगा, जब दोनों ही जीरो हो, राइट। इतना आया, ठीक है। अब एन टू माइनस एन वन हम फाइंड आउट कर लेंगे, जीरो एंड वन एंड माइनस वन, राइट, एंड जीरो, ठीक है। अब एन इंटू एन टू माइनस एन वन, ठीक है, दैट इज जीरो टू माइनस टू एंड जीरो, ठीक है। सेम आएगा एन थ्री के लिए, राइट, ओके। एन थ्री है, देन एल और एम एल की जो वैल्यू आएंगी दैट इज एन थ्री है, एल इज जीरो वन एंड टू, ठीक है। एम एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो के लिए जीरो, वन के लिए माइनस वन, जीरो एंड वन, ठीक है। टू के लिए माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू, ठीक है। ये एम एल की वैल्यू है, ये एम एल की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये डिसाइड करेंगी एन वन और एन टू की वैल्यूज को, ठीक है। टोटल नाइन टर्म्स आएंगी एन थ्री के लिए, ठीक है, मैं लिख देती हूँ इनको, ठीक है। सो मैंने ये अलाउ वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन की है, देखो कोई भी एक हम चेक कर लेते हैं, इसी के लिए चेक करते हैं। जैसे कि एम एल है अपना, एम एल है माइनस टू के लिए चेक करें, एम एल माइनस टू कब होगा, एम एल होता है एन माइनस एन टू माइनस एन वन माइनस वन, ठीक है। ये टोटल रिजल्ट माइनस टू कब आएगा, एन तीन गिवन है थ्री माइनस एन माइनस वन, ठीक है। एन टू माइनस एन वन की क्या वैल्यूज हो सकती है कि हमें एम एल माइनस टू मिल जाए, ठीक है। तो माइनस टू चाहिए, तो माइनस का पांच होना चाहिए, प्लस का तीन है, तो ठीक है। सो एन टू और एन वन की जो वैल्यू है दैट इज टू टू, थ्री माइनस टू माइनस टू एंड वन, ठीक है, थ्री माइनस फाइव, देन वी गेट एम एल इज माइनस टू, ठीक है। सो एम एल ने एन वन और एन टू की वैल्यू डिसाइड कर दी यहाँ पे, ठीक है। हम कंप्लीट इसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि जीरो है, जीरो कब मिलेगा, ठीक है, जीरो कब मिलेगा हमें, एम एल जीरो चाहिए, तो एन माइनस एन टू माइनस एन वन माइनस वन है, एन थ्री है, जीरो कब मिलेगा, जब एन टू टू हो, ठीक है, एन वन जीरो हो, एक कंडीशन पे जीरो मिलेगा, दूसरा है दोनों ही वन वन हो तब भी जीरो मिलेगा, और तीसरी कंडीशन है एन टू जीरो एन वन टू हो, ठीक है। तीन जीरो के लिए तीनों कंडीशंस है, राइट, ठीक है। आप जब चेक करोगे इस टेबल को, करेक्ट रिजल्ट आएगा, राइट। सो हमें चाहिए ट्रांजिशंस के लिए, हमें चाहिए एन इंटू एन टू माइनस एन वन की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। सो एन इंटू एन एन टू माइनस एन वन, ये तो इजीली मल्टीपल करना है, फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। सो एन थ्री के लिए और एन टू में हम ट्रांजिशन देखेंगे, तो एन थ्री में कितने लेवल्स होंगे, जितने डिफरेंट एन इंटू एन टू माइनस एन वन की जो डिफरेंट वैल्यू होंगी उतने ही लेवल्स बनेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू है एक दो तीन, ठीक है, चार और पांच, थ्री लेवल थर्ड के कोरिस्पोंडिंग वी गेट फाइव लेवल्स, क्योंकि पांच डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। और लेवल सेकंड के कोरिस्पोंडिंग वी गेट थ्री लेवल्स डिफरेंट लेवल, क्योंकि तीन ही डिफरेंट वैल्यूज हैं, राइट। सो मैं अपलोड करती हूँ,
यहाँ पे आ जाएगा। सो एन थ्री के अक्रॉस वी गेट फाइव लेवल, एक दो तीन चार एंड पांच, और थ्री के अक्रॉस वी गेट, टू के अक्रॉस वी गेट थ्री लेवल्स, एक दो एंड तीन। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रखते हैं हम, एन इंटू एन टू माइनस एन वन वैल्यूज। ठीक है, जितनी डिफरेंट वैल्यूज है, सिक्स थ्री जीरो माइनस थ्री एंड माइनस सिक्स, राइट। और इनके लिए एन टू माइनस एन वन जो वैल्यूज थी, इन सब के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू थी, दैट इज टू, फर्स्ट के लिए टू, वन जीरो माइनस वन एन माइनस टू। ठीक है, अब इनके ml वैल्यूज हम लिख सकते हैं, ml वैल्यूज मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है, देखो टू और सिक्स के लिए चेक करना है। ठीक है, तो दिस इज n2 टू माइनस एन वन टू, एंड सिक्स के लिए ml इज जीरो। ठीक है, देखो n2 टू माइनस एन वन टू है, n इंटू एन टू माइनस एन वन सिक्स है, देन वी गेट ml इज जीरो, राइट। सो फर्स्ट के लिए ml इज जीरो, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, आप चेक कर लेना, माइनस वन एंड प्लस वन सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए माइनस टू जीरो एंड प्लस टू, राइट, माइनस वन एंड प्लस वन एंड इट इज जीरो। देखो माइनस टू जीरो और टू के लिए और चेक करते हैं, ml माइनस टू। ठीक है, तो n2 माइनस एन वन जीरो, ठीक है, और इट इज जीरो, इट इज जीरो। जीरो के लिए, एक जीरो के लिए भी आएगा, इसमें जो जीरो है बोथ आर जीरो जीरो। ठीक है, इस जीरो के लिए एन टू माइनस एन वन भी जीरो और एन इन टू एन टू माइनस एन वन भी जीरो। ठीक है, प्लस टू के लिए, प्लस टू के लिए ऑल थ्री आर जीरो। ठीक है, दिस जीरो एंड दिस जीरो फॉर प्लस टू के लिए। ठीक है, चेक करोगे ठीक आएगा। अब इसके लिए जो एन टू माइनस एन वन है, दैट इज डिफरेंट वैल्यू जीरो वन जीरो एंड माइनस वन, और ये वैल्यूज है टू जीरो एंड माइनस टू, राइट। एम एल की जो वैल्यू है यहाँ पे जीरो, एक माइनस वन एंड प्लस वन, ओके एंड जीरो। ठीक है, अब हम ट्रांजिशन देखना है, और जो सिलेक्शन रूल है ट्रांजिशन के लिए, दैट इज डेल एम एल इज जीरो एंड प्लस माइनस वन। ठीक है, जीरो फॉर पाई कॉम्पोनेंट एंड प्लस माइनस वन फॉर सिग्मा कॉम्पोनेंट। ml को चेक करना है, इनको चेक नहीं करना है, ये तो लेवल बता रहे हैं कि इतने लेवल हुए हैं। ठीक है, n3 के करस्पोंडिंग वी गेट 5 लेवल, n2 के करस्पोंडिंग वी गेट 3 लेवल। अब जो ट्रांजिशन चेक करना है, दिस इज द सिलेक्शन रूल। ठीक है, यहां से सिलेक्शन रूल से हम चेक करेंगे और ट्रांजिशन को प्लॉट करेंगे, राइट। अब देखो ml0 से 0 अलाउ है, 0 टू 0 अलाउ ट्रांजिशन, राइट। एंड नेक्स्ट है जीरो से, इस जीरो में भी अलाउ है, ओके, एंड माइनस वन और प्लस वन, माइनस वन प्लस वन अलाउ है। ठीक है, माइनस वन में और प्लस वन का प्लस वन में। ठीक है, वी कैन से कि यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी हाई मिल जाएगी, क्योंकि दो दो ट्रांजिशन होंगे, माइनस वन से माइनस वन और प्लस वन से प्लस वन। ठीक है, पहले हम पाई कंपोनेंट चेक कर रहे हैं, मींस डेल एमएल जीरो के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, जीरो से जीरो जीरो, माइनस वन से जीरो टू जीरो जीरो, माइनस वन से माइनस वन जीरो, प्लस वन से प्लस वन ऑल्सो जीरो। ठीक है, यहाँ पे एक ही लाइन मिलेगी क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे एडजस्ट कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट है माइनस टू से, रुको एक मिनट। ठीक है, यहां से जीरो एंड दिस जीरो अलाउ, राइट। सो माइनस टू वाली जो जीरो है टू लास्ट इज अलाउ, राइट। माइनस वन प्लस वन इज अलाउ। पहले हम पाई कंपोनेंट के लिए चेक कर रहे हैं, ओनली मींस ml जीरो के लिए चेक करें, डेल ml जीरो के लिए, एंड जीरो टू जीरो ऑल्सो अलाउ, जीरो एंड जीरो,
इज अलाउ राइट. सो एंड दिस इज जीरो एंड इट इज ऑल्सो जीरो, ये भी अलाउ जीरो टू जीरो. ठीक है, ये सब अपने पाई कंपोनेंट है, यहां से यहां तक मींस डेल एम एल जीरो है. ठीक है, या तो माइनस वन से वन में ट्रांजिशन है या जीरो से ट्रांजिशन है. माइनस वन से माइनस वन में, प्लस वन से प्लस वन में, जीरो से जीरो में, ऑल हैविंग डेल एम एल जीरो वैल्यूज. ठीक है, अब इनके लिए चेक करना है डेल एम एल प्लस माइनस वन के लिए राइट. सो जीरो से प्लस माइनस वन में अगर ट्रांजिशन होगा देन डेल एम एल इज प्लस माइनस वन. ठीक है, और प्लस माइनस वन से जीरो में होगा तब भी राइट. और दूसरा है प्लस माइनस वन से जीरो में अगर ट्रांजिशन होगा देन वी गेट जीरो में ट्रांजिशन. ठीक है, और माइनस टू और प्लस टू का अगर ट्रांजिशन माइनस वन और वन में होगा देन वी गेट डेल एम एल इज प्लस माइनस वन. ओके, एंड एक दो थर्ड है माइनस वन से वन, माइनस वन और वन का ट्रांजिशन अगर जीरो में हो देन वी गेट डेल एम एल प्लस माइनस वन. ओके, और जो लास्ट में है माइनस वन से प्लस वन का अगर ट्रांजिशन जीरो में हो. ठीक है, ये वाला बचा हुआ है अभी राइट. और इस जीरो से अगर ट्रांजिशन प्लस माइनस वन में हो, इन सब के कोरस्पोंडिंग वी गेट अ सिग्मा कंपोनेंट. ठीक है, ये है पॉसिबल ट्रांजिशंस, इनको काउंट कर लेना कितने हैं. और ये पॉसिबल ट्रांजिशन फॉर एच अल्फा लाइंस है. ठीक है, कब, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और ये देखो जो वीक वाला था ना वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व नहीं हो रहा था. ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट था, और ये वाला गुड एग्रीमेंट रखता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से राइट. ओके, इट इज योर आर्टिकल. ओके.